जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास टेंथ का 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें दिया गया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। देखिए, ये इसकी त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर। केंद्र के आगे 60 डिग्री का कोण, यानी कि थीटा है हमारा 60 डिग्री का। उसके अनुरूप लघु वृत्तखंड और गुरु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। और पाई यहाँ पर 3.14 लेना है। रूट 3 की वैल्यू 1.73 हमें लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आर है 15 और थीटा है यहाँ पर 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम लघु वृत्तांश क्या है? लघु वृत्तांश इसमें ओ ए पी बी, ठीक है, ओ ए पी बी यहाँ पर लघु वृत्तांश है। उसका हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसका फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है यहाँ पर 60 अपॉन 360 गुणा पाई हमें लेना है यहाँ पर 3.14, बिकॉज ये गिवन है कि पाई हमें 3.14 यहाँ पर लेना है, गुणा 15, क्योंकि आर हमारी यहाँ पर 15 है। तो R का वर्ग यानी कि 15 गुणा 15। अब इसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कट, 6 एकम 6, 6 छिक 36, यहाँ पे हो गया 1/6 × 3.14 × 15 × 15। ओके, 1/6 गुणा, अब यहाँ पे 3.14, 15 × 15 यानी कि 15 का वर्ग होता है 225, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, 1/6 एज इट इज़। 3.14 और 225 को यदि हम गुना करें तो हमारा आंसर आएगा 706.5, ठीक है। अब 706.5 को हम 6 से कर देंगे भाग, तो हमारा आंसर आएगा 117.75। एक बार फिर से देख लेते हैं। 0 से 0 कट, 6 एकम 6, 6 छिक 36, तो आ गया 1/6। इस स्टेप में 15 को 15 से गुणा किया तो हो गया 225। यहाँ 3.14 को 225 से गुणा किया तो हमें मिला 706.5। अब 706.5 को हमें 6 से भाग करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 117.75, ठीक है। आगे सब को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अब त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो त्रिभुज ओ ए बी में कोण ओ बराबर है 60 डिग्री, ओ ए बराबर है ओ बी, ओ ए बराबर है ओ बी यानी कि दोनों हैं 15 सेंटीमीटर। तो ये एक समबाजु त्रिकोण है, ठीक है। त्रिभुज ओ ए बी समबाजु त्रिकोण है, उसकी सभी बाजुएं जो है वो बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा समबाजु का क्षेत्रफल, समबाजु का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 ए का वर्ग। तो √3/4 ए मतलब बाजू, बाजू कितनी है यहाँ पर 15 × 15। ओके, तो यहाँ पर जो √3 की वैल्यू हमें लेनी है वो लेनी है 1.73 × 4। 15 को 15 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 225, और 1.73 को 225 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 389.25, और नीचे है 4 तो ये भाग में हो जाएगा। अब 4 से यदि हम 389.25 को करेंगे भाग तो हमारा आंसर आएगा 97.3125। एक बारी फिर से देख लेते हैं। त्रिभुज ओ ए बी में कोण ओ है 60 डिग्री, ओ ए बराबर है ओ बी यानी कि 15। तो ये एक समबाजु त्रिकोण है,
समबाजु का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर, तो √3/4 ए यहाँ पे बाजू 15 है, तो 15 × 15, 15 को 15 से गुणा किया 225। वह अब यहाँ पे जो √3 है हमें गिवन है कि √3 हमें 1.73 लेना है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 1.73। 1.73 को 225 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 389.25, और 4 यहाँ भाग में है, अब 4 से कर देंगे भाग तो हमारा आंसर आएगा 97.3125। आगे के लिए चलते हैं अगले पेज पर, ठीक है। तो हमने दोनों चीज़ें निकाल ली, OAPB का क्षेत्रफल और OAB का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है APB का क्षेत्रफल, तो वो निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा वर्तुल का क्षेत्रफल, वर्तुल का क्षेत्रफल होता है πr², तो पाई यहाँ पे हमें लेना है 3.14 और आर है हमारी 15 × 15, ओके। 15 को 15 से गुणा करेंगे तो आएगा 225, और 225 को 3.14 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 706.5, ठीक है। ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है लघु वृत्त खंड APB का क्षेत्रफल, तो वो कैसे निकलेगा, OAPB में से माइनस कर देंगे OAB का क्षेत्रफल, ठीक है। लघु वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल पूरे में से, यानी कि OAPB माइनस कर देंगे OAB, ठीक है। इसीलिए हमने दोनों के क्षेत्रफल पहले ही निकाल लिए, तो OAPB का क्षेत्रफल था 117.75 माइनस OAB का क्षेत्रफल था 97.3125, ओके। तो यहाँ माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 20.4375। अब यहाँ पे इसमें पूछा गया है गुरु वृत्त खंड, तो गुरु वृत्त खंड क्या है, गुरु वृत्त खंड है AQB, ओके। ये जो पूरा एरिया है ये है गुरु वृत्त खंड, यानी कि बड़े वाला हिस्सा, ठीक है, वृत्त का बड़े वाला हिस्सा, इसे हम कहेंगे गुरु वृत्त खंड। तो ये हो जाएगा AQ, यहाँ पे क्यू है और बी, तो अब हम निकालेंगे गुरु वृत्त खंड AQB का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, पूरे वृत्त में से माइनस कर देंगे लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड क्या है यहाँ पर APB, ठीक है। तो वर्तुल का क्षेत्रफल ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस APB का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमने यहाँ फाइंड किया था 706.5 माइनस APB का क्षेत्रफल था, ये रहा, ठीक है, लघु वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल। APB का क्षेत्रफल है 20.4375। अब यहाँ पे कर देंगे माइनस तो आंसर आ जाएगा 686.0625, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सभी आंसर आ चुके हैं। लघु वृत्त खंड, ये रहा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, जो कि हमारा आया 20.4375, और गुरु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमारा आया 686.0625। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला गया है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्तुल की जीवा केंद्र के आगे 120 डिग्री, ये देखो 120 डिग्री का कोण है और त्रिज्या यहाँ पर है 12, तो इसमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले जो गिवन है, वर्तुल की त्रिज्या है r = 12 और
थीटा बराबर है 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री का हमें थीटा दिया है और 12 सेंटीमीटर की हमारी त्रिज्या है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होगा हमारा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। ये हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो इसमें से हमें माइनर सेक्टर में से माइनस करना है त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा कितना है हमारा 120 बटे 360 गुणा पाई लेनी है हमें 22/7 गुणा आर स्क्वायर। तो आर कितनी है यहाँ पर हमारी 12 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग साइन थीटा है 120, तो ये हो जाएगा 120/2 और फिर कॉस थीटा है हमारा 120/2। ये लगा दिया हमने फार्मूला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। यहाँ पर हम माइनर सेक्टर में से माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो ये आर है, देखो दोनों में कॉमन है, यहाँ माइनस हो गया तो ये दो हिस्सों में बट गया, तो आर जो है हम उसको कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, यानी कि 12 का वर्ग, ब्रैकेट में क्या बच गया हमारे पास, बच गया 22। यदि हम इसे काट दें यहाँ पर तो 22/21 आ जाएगा माइनस साइन 60 और कॉस 60। देखो यहाँ पर दो से कट गया, एक ये 60 आ गया, यहाँ पर ये दो से कट गया तो ये 60 आ गया। इस तरह से हमें मिला साइन 60 और कॉस 60, दोनों में से आर हमने कॉमन ले ली यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो इसको काटेंगे, 0 से 0 कट, 12 एकम 12, 12 24, 12 3 36, यहाँ पर आ गया 3, तो 3 7 21 और 22 का 22, इस तरह से हमें मिला 22/21। 0 से 0 कट, 12 एकम 12, 12 3 36, ठीक है। अब 3 7 गुणा हो रहा है तो 3 7 21 और 22 का आ गया 22। आगे करने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पर 14 यानी कि जो हमारी त्रिज्या है 12 गुणा 12 और अंदर 22/21 और जो साइन 60 की वैल्यू है वो है √3/2 गुणा कॉस 60 की वैल्यू है 1/2, ठीक है। 12 गुणा 12 22/21 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखो गुणा हो रहा है तो √3 एकम √3 और 2 दूनी 4, ओके। 12 गुणा 12 22 को यहाँ पे देखो माइनस है तो तिरछी गुणा और फिर छेदों की गुणा, तो 22 चौक हो जाएगा 88 माइनस 21 एकम 21 √3 और फिर 21 चौक 84, ठीक है। तिरछी गुणा और फिर छेदों की गुणा हो गई यहाँ पर। अब यहाँ 21 √3 आ गया 84। अब यहाँ पे देखो 12 एकम 12 12 7 84, ये कट गया बिकॉज बीच में ब्रैकेट है, तो 12 एकम 12 12 7 84, तो ये वाला 12 यहाँ पर आ गया और इस 7 को हमने ले लिया बाहर। तो अंदर क्या बचा हमारे पास, बचा 88 माइनस 21 और जो √3 की वैल्यू है वो हमें गिवन है 1.73, 12/7
88 माइनस 21 को 1.73 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 36.33। आगे यहाँ पर कर लेते हैं 12/7 और ये 88 में से हम माइनस करेंगे 36.33 तो हमें आंसर मिलेगा 51.67। ओके, अब 12 को 51.67 से कर दो गुणा तो यहाँ पर आएगा 620.04। अभी अपॉन में 7 है, अब कर देंगे 7 से भाग तो हमारा आंसर आएगा 88.57। एक बारी फिर से समझ लेते हैं, यहाँ पर 12 × 12 22/21 माइनस यहाँ पे हमने साइन 60 की वैल्यू है √3/2 गुणा कॉस 60 की वैल्यू है 1/2। ठीक है, तो ये 12 × 12। अब देखो यहाँ पे √3 बिकॉज यहाँ गुणा हो रहा है और 2×2 = 4। अब यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगी 83 गुणा और फिर 6×2 = 6। तो 22×4 = 88, 21×1 = 21√3, 21×4 = 84। ठीक है, यहाँ 12 से काट दिया, 12×1 = 12, 12×7 = 84, ये वाला 12 यहाँ आ गया और ये वाला 7 हमने बाहर ले लिया। 88 माइनस 21, √3 की वैल्यू है 1.73, 88 × 88, 21 को गुणा कर देंगे यहाँ पे 1.73 से तो आंसर मिलेगा 36.33। 12/7 माइनस किया 51.67, अब 51.67 को 12 से किया गुणा तो आंसर मिला 620.04 अपॉन 7, 7 से कर देंगे भाग तो हमारा आंसर आएगा 88.57। ठीक है, तो ये आंसर था हमारा किसका, हमें क्या फाइंड करना था, यहाँ पर हमें फाइंड करना था लघु वृत्तखंड APB, ये लघु वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल हमारा आ चुका है क्या, 88.57। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।